नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। आज हम बताएंगे आपको सैमसंग कोर टू। तो देखिए, हमारे पास क्या सैमसंग का कोर टू मोबाइल है और बेसिकली हमें इसका डिस्प्ले निकालना है और हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी आईसी लगी होती हैं और बेसिकली इसके बाहर का पार्ट में क्या क्या चीज़ है। और जैसे कि अगर हम बात करें तो आज हम इसको फुल डिटेल देंगे, सैमसंग कोर टू के हार्डवेयर की डिटेल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो आपको इसका ये डिस्प्ले समझ में आ रहा है। तो चलिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका एयरफोन लगा हुआ है, ये आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ये आपका होम बटन है, ये बैक केबल और ये आपका साइड बटन है। अगर हम पीछे की बात करेंगे दोस्तों, तो चलिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये आपको जो दिख रहा है ये बेसिकली एंटीना होता है, जो आपका मेन एंटीना होता है, जो आपके स्पीके जो आपके मिड फ्रेम में लगा होता है। और ये एंटीना कि जो एक आरएफ केबल होती है, वो आरएफ केबल आपके ये वाले जो एंटीना होता है, एंटीना सॉकेट में लगा होता है। और ये एंटीना सॉकेट इस पीसीबी बोर्ड में लगा होता है। और अगर हम यहाँ और इसकी और बात करेंगे हम, तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पे आपको एक और एंटीना देखने मिलेगा। तो ये जो एंटीना होता है ये वाईफाई एंटीना होता है, और एक एंटीना यहाँ भी देखने को मिलेगा। इसके साथ में ये दो सिम स्लॉट है और इसी में ही एक एसडी कार्ड भी है, मतलब सिम कनेक्टर के साथ ही एसडी कनेक्टर इनबिल्ट है। तो दोनों कनेक्टर एक साथ आते हैं, कनेक्टर बिल्कुल अलग है सिम कनेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम आपका ये वाला, हम यहाँ से ये वाला पार्ट खोल लिया जाता है। देखिए, मोबाइल फोन खोलना है, हमें डिस्प्ले निकालना है इसका। तो ये पीछे से एक स्लॉट होता है, स्लॉट को खोल के हम डिस्प्ले कनेक्टर निकालेंगे। तो चलिए इस स्लॉट को खोल दें। तो ये कनेक्टर हाँ क्लिकेबल होता है, मतलब लॉक कनेक्टर होता है, इसमें किसी प्रकार का ग्लू नहीं होता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये केबल, ये डिस्प्ले की केबल होती है। एक बार मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप कोई सा भी मोबाइल ले लेंगे अपने हाथ में, केवल सैमसंग अपने मोबाइलों में पीछे इस तरह के डिस्प्ले कनेक्टर बाहर से, जो इनका इंटरफेस होता है डिस्प्ले कनेक्टर का, इस तरह का ही होता है। बाकी किसी मोबाइल में डिस्प्ले कनेक्टर का इंटरफेस आपको ऐसा देखने नहीं मिलेगा। आपको सारे मोबाइल में, लावा माइक्रो में से कोई सा भी मोबाइल आप लेंगे, आपको ये पूरा बॉडी आपको पहले निकालना पड़ेगा और तब पीसीबी में आपको ये डिस्प्ले कनेक्टर देखने मिलेगा। तो चलिए आप डिस्प्ले कनेक्टर को रिमूव करें। चले, ये डिस्प्ले कनेक्टर रिमूव कर लिया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी कोई स्क्रू नहीं लगे हुए हैं, जिनको हम अनस्क्रू करके ये ऊपर का बैक कवर निकाल लें। तो ऐसे टर्म्स में आपको क्या करना होता है दोस्तों, ऊपर का ये जो है पूरा कॉम्बो, इस कॉम्बो को निकालना होता है आपको। यहाँ यहाँ से चाहो तब से हीट देनी पड़ेगी, और कॉम्बो को थोड़ा सा आप हल्के से यहाँ से जो ग्लू रहते हैं यहाँ से थोड़ा सा उसको आपको काटना पड़ेगा, और ताकि ये जो फ्रेम है ये फ्रेम निकाला जा सके। तो चलिए इसको थोड़ा हीट देते हैं, करो। तो आपने एसएमडी मशीन चालू करनी है। चलिए, एसएमडी मशीन चालू हो गई है। क्योंकि ये रोटेटर थोड़ा सा खराब है ना, तो इसको आप अपने हिसाब से देखो। आप पहले हीट चेक करो अपने हाथ पे, हीट कितना आ रहा है एयर। चलिए थोड़ा सा और होने दीजिए, एकदम से गर्म नहीं होता है वो। चलो इतना ठीक है, आप चालू करें। तो हमें हीट, देखिए दोस्तों मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप उसको कितना रोटेट करें हीट को, एयर को, ये आप अपने अनुमानित करें। आप हाथ में देखें कि आपको एयर का प्रेशर और हीट का प्रेशर बहुत ज्यादा हद तक नहीं आना चाहिए, आप चाहो तब में उसको मूव करें। चलिए बिल्कुल, और तब का जो ग्लू है इसको ये सुखाएगा ताकि हम इस ग्लू को काट सकें और कॉम्बो को बाहर निकाल सके। इसको छू के देखो गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको नहीं, उसको जो पार्ट में आप कर रहे हैं, जहां जहां आप कर रहे हैं वहां बॉडी में छू के देखिए गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बॉडी में छू हो रहा है गर्म? हाँ ठीक है, करो थोड़ी साइड का गर्म करो, ये कोने है, यहाँ कोना थोड़ा साइड का गर्म हो रहा है। चलो ठीक हो रहा है ना गर्म, छू के ठीक है, उसको रख दो, एसएमडी को रखो, उसको बंद करो। रेजर से थोड़ा आप उसको, अब रेजर से आपको देख रहा कि पूरा कॉम्बो आपके उसमें आया, मतलब थोड़ा सा हमें सिर्फ साइड साइड से हमें सिर्फ उसको गैप बनाना है, बनना गैप। ये देखिए, ये कैप बन रहा ना जी,
हाँ चलो तो देख रहे हैं आप कि हमने किया क्या। हमने जैसे टच निकालते हैं, हमने वैसे ही हमने किनारे किनारे से थोड़ा थोड़ा हमने साइड साइड से इसको ग्लू काटा, और ग्लू काटने के बाद में और ये खुल गया ये बेसिकली, और ये ग्लू सब तरह से कट गया। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये कनेक्टर भी बाहर निकल गया है। अब इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे, अब आप देखेंगे यहाँ पर आराम से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हो सकता है कि आपको थोड़ा एक कनेक्टर देखने मिले, बस हम ये देख रहे हैं कि बस कुछ चीज़ टूटे ना। चलिए तो चलिए कुछ भी यहाँ पे कनेक्टर नहीं है, ये निकल आया। तो ये कॉम्बो लगा हुआ है जैसे कि आपने देखा है, इसमें अगर हम इसके पत्ते पे हम देखेंगे, अगर हम इसके पत्ते पे देखेंगे तो ये देखिए आपको ये टच स्क्रीन यहाँ पे देखने मिलेगी, और ये टच का ये कनेक्टर दिया हुआ है। तो ये बेसिकली कॉम्बो में क्या होता है कि टच का जो इस कनेक्टर होता है वो डिस्प्ले के अंदर ही होता है, पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर, यहाँ देखा पीसीबी बोर्ड में, पीसीबी बोर्ड में ये नहीं होता है, तो ये आपको देखने मिलेगा, ठीक ना। तो आप जैसे कि इसमें देख रहे हैं ये आपका मेन कनेक्टर है डिस्प्ले का, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसका फ्लैक्स केबल है, यहाँ पर कुछ कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, आईसी दिखाई दे रही है, ये टच आईसी है और ये टच का कनेक्टर है। तो चलिए अगर हमें इसमें जैसे निकालना है तो आप यहाँ से आराम से इसको टच को निकाल सकते हैं, बस आपको यहाँ से हीट देनी पड़ेगी और यहाँ से आपको जो ब्लू है उसको काटना पड़ेगा। चलिए निकल जाता है और मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और देखिए अब बात यहाँ आ जाते हैं इसके पीसीबी बोर्ड में, तो आपको यहाँ पर देखिए स्क्रू देखने मिल जाएंगे, जैसे ये स्क्रू यहाँ एक मिल गया है, यहाँ पे स्क्रू मिल गया है, तो हम ये वो निकालेंगे हम, और इसको निकालने के बाद में तब जाके ये खुलेगा बेसिकली, तो ये निकल जाएगा। तो चलिए इसको स्क्रू खोल लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर हमेशा आपको सीधा रखना है, देख रहे हैं आप किस तरह के सीधा रखना है। आप कभी भी टेक्नीशियन, देखिए टेक्नीशियन क्या करते हैं, हाथ में पकड़ के ऐसे ऐसे खोलते हैं, ऐसे खोलते हैं, ऐसे कभी नहीं खोलना। इसमें स्क्रू जो लगा होता है, ये जो आपको स्क्रू दिखाई दे रहा है, ये स्क्रू लगा होता है, ये स्क्रू बिल्कुल सीधे रख के आपको खोलना है, और ये खोलने से ही आपका स्क्रू फंसेगा नहीं, नहीं तो ऐसे में वो फंस सकता है बॉडी में। और स्क्रू खोलने के बाद आप अपने पास एक मैग्नेट रख लें, मैग्नेट से क्या होगा कि वो स्क्रू उसमें चुपके रह जाएंगे, और वो बेसिकली आपका स्क्रू कहीं घूमेंगे नहीं। तो चलिए अभी तो हम इसमें रख लेते हैं, ये सारे स्क्रू खोल लेते हैं, अनस्क्रू करते हैं इसको। तो देखिए ये आपकी जो ये लगी है, ये होम की लगी हुई है, होम की बटन लगे हुए हैं सैमसंग का, तो ये भी बाजार में मिल जाता है। क्या है अभी हमने किया क्या है, अभी हमने केवल डिस्प्ले डिस्प्ले ऊपर से निकाला हुआ है, क्योंकि पीछे कहीं पे भी स्क्रू नहीं मिले हुए हैं, और हमने डिस्प्ले आसानी से निकाला है आपने देखा है। और अभी आपको कुछ भी पूछना है तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी देखिए आप यहाँ पे हमने जितने भी स्क्रू थे उसको अनस्क्रू कर दिया है, और अब आप देख रहे हैं कि आप ये यहाँ से बेसिकली ये जो प्लेट है, आप इस प्लेट को कभी ना निकालें, क्योंकि प्लेट यहाँ से पीछे से ये स्क्रू लगा होता है जो पीसीबी से लगी होती है, तो आपको ये जो दिया है होम बटन में ये वाला प्लेट निकालनी है। तो आप एक प्रेजर ले लें हाथ में और इस प्लेट को निकालें, पहले होम बटन निकाल देते हैं। तो ये होम बटन निकाल दिया, और ये आपका होम बटन है बेसिकली, चलिए ये आपका होम बटन आ गया। और ये होम बटन बेसिकली जो लॉक होते हैं थोड़ा आसानी से नहीं निकल पाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि होम बटन ये यहाँ से ये जो रहते हैं ये टिप्स, यहाँ पर आपको इसके टिप्स मिल जाएंगे, तो ये जो रहते हैं बेसिकली आपके यहाँ के कनेक्ट होते हैं पीसीबी में, आपके ये टर्मिनल होते हैं और टिप से यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। इसको थोड़ा सा पीछे से पुश करना है, और पुश करने के साथ आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ से ये देखिए यहाँ से ये थोड़ा सा लॉक होता है, आप जो ट्विजर डाल के थोड़ा सा इसको नीचे कीजिएगा, और नीचे करने के बाद यहाँ से ये उठ जाता है और ये आपके हाथ में आ जाएगा। तो अब देखिए अब बड़ी मेहनत के बाद में ये पीसीबी हाथ में आई है, सैमसंग ने इसको काफ़ी हद तक इसको लॉक किया हुआ है, पर ये बेसिकली खुल जाता है तो इसमें कोई नहीं है। देखिए मैं आपको पीसीबी में पहले दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये रिंगर लगा हुआ है इसमें, और ये आपका जो केबल लगा हुआ है ये आपका पावर, ये वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का जो केबल का है ये बेसिकली इसका कनेक्टर है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे देखिए ये, और चलिए
अच्छा ये जो, चलिए ये जो लगा हुआ है ये एंटीना केबल लगी हुई है, और ये एंटीना की ये देखिए जो एंटीना ये गया हुआ है, ये एंटीना की ये केबल यहाँ से निकल के गई हुई है, तो ये एंटीना की है। सेम ऐसे ही एक एंटीना की केबल यहाँ पे भी लगी हुई है जिसके टिप्स यहाँ पर हैं जो आपकी बॉडी में यहाँ पर टच होते हैं। तो हम और अब हम बॉडी की बात करें यहाँ पर, तो चलिए बॉडी में आपको मैं बता देता हूँ। ये नीचे की बात करें तो ये माइक दिया हुआ है, सबसे पहले ये क्रिस्टल जैसा एक माइक लगा है, और ये इसके कंपोनेंट्स हैं। तो माइक के कंपोनेंट, अगर माइक खराब होगा तो माइक के कंपोनेंट्स आपको यहीं देखने मिल जाएंगे। ये बेसिकली एंटीना का दिया हुआ है, और यहाँ से ही एंटीना चलकर यहाँ पर चले जाता है, और ये एंटीना पोर्शन यहाँ आ जाता है। ये आप देख रहे हैं ये सब क्या कनेक्टर दिए हुए हैं, ये आपका कैमरा का दिया हुआ है ये पूरी पीसीबी में, और यहाँ पर भी आप जैसे कि देख रहे हैं कि कुछ आपको यहाँ पे एंटीना पैड यहाँ पे देखने मिलेंगे, एक एंटीना पैड यहाँ देखने मिलेगा। और यहाँ पीछे की अगर हम बात करें तो एंटीना नहीं है, होम बटन के टर्मिनल टिप्स हैं। ये आपका वो ये आपको कुछ की देखने मिलेंगी, तो वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और ये पावर की देखने मिलेंगी। तो ये इसमें दो लैग की लगी होती है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। इसको भी आप पूरा आसानी से खोल सकते हैं, तो आपको यहाँ से अनस्क्रू करेंगे, तो चलिए इसको भी पूरा खोल लेते हैं, हम तो खोल ही लिया है। तो चलिए इसको यहाँ से अनस्क्रू कर देते हैं, एक स्क्रू यहाँ से खोलना है, एक स्क्रू यहाँ से, दो स्क्रू लगे हुए हैं पूरी उसमें, और इस एक स्क्रू यहाँ से खोलिएगा। तो स्क्रू को आपको संभाल के रखना है, ज़्यादातर टेक्नीशियन स्क्रू को संभाल के नहीं रखते हैं। तो चलिए यहाँ से, और तो कोई स्क्रू उसमें दिख नहीं रहा है, चलिए ये भी निकल आया है, और ये देखिए यहाँ से ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसको सावधानी पूर्वक ये वाले केबल को हम अलग कर लेते हैं। ये आपके हाथ में आ गई है पीसीबी सैमसंग कोर 2 की। अब देखिए इसमें हम आईसीओ की बात करें, तो ये जो आपको देख रही है ये आईसी, ये जो आईसी आपको देख रही है ये पावर आईसी है। तो देखिए पावर आईसी इसलिए होती है क्योंकि पावर आईसी के पास सबसे ज्यादा कैपेसिटर लगे होते हैं और आरटीसी लगा होता है, तो ये पावर आईसी है। और बेसिकली इसमें जो आपका सीपीयू लगा हुआ है वो बेसिकली ये लगा है स्प्रेक्टम। तो ये सैमसंग ने अपना सैमसंग का तो सीपीयू नहीं लगाया, पर स्प्रेक्टम कंपनी का सीपीयू लगा हुआ है। काफी एक अच्छी कंपनी है, मीडियाटेक से तो काफी अच्छी कंपनी मानी जाती है। और ये इसके बाद में जो एक और आईसी लगी हुई है इस पे सैमसंग लिखा हुआ है, तो ये आपकी मेमोरी आईसी है, इंटेल मेमोरी आईसी इसको हम मान सकते हैं। तो ये इंटेल मेमोरी आईसी, इसको अच्छे से देखेंगे तो यहाँ हमें देखने मिल सकता है, तो हो सकता है ये आपका वाईफाई सेक्शन हो, और ये आपका कैमरे का कनेक्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे क्रिस्टल लगा हुआ है, तो एक ये सेक्शन हो सकता है, तो ये भी ब्लूटूथ या एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ एक सेक्शन है, आसानी से खुल जाता है। उसके बाद में आप इसको वापस लगा सकते हैं। ये हीट रेजिस्टेंस होते हैं, ये हीट को अंदर जाने से रोकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको नेटवर्क का सेक्शन पूरा देखने मिलेगा, और इस मोबाइल में कुछ ज़्यादा है नहीं है खास, और ये नेटवर्क का ये यहाँ से जा रहा हुआ है, ये लगा होता है एंटीना स्विच लगा हुआ है, ये एक RF IC लगी हुई है, ये बाकी आपकी नेटवर्क की IC है मोबाइल का, ये देखा। तो ये बेसिकली हमने सैमसंग कोर 2 आपके सामने डिसेंबल किया हुआ है, टेयर डाउन किया हुआ है, और आशा करता हूँ आपको लगाना बिल्कुल आ जाएगा। तो आप इसको इसको बिल्कुल लगाइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ भी पूछना है और कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको सारे कमेंट में डिटेल बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, देखते रहें इसे टेलीकॉम, मिलते हैं नई वीडियो तक।